आज इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है, और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 महीने के अंदर इसका पेपर हो जाएगा, यानी 15 अक्टूबर के आसपास तक। तो इस तरीके से देखें तो आपके पास कुल मिलाकर के 3 महीने का समय है। तो ये जो 3 महीने की डेडलाइन दे दी गई है कि 3 महीने के ही अंदर तैयार करना है सब कुछ, तो इससे क्या हो रहा है कि लोगों के मन में दुविधा और डर पैदा हो गया है कि इतने कम समय में तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए क्या करें कि हमारे इस बार सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने 2016 का पेपर दिया, फिर 2021 का पेपर दिया, अब वो 2022 का कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरीके से उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो जाए तो ये वीडियो आप ही के लिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि सफलता के लिए क्या होती है, हमें कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है। तो अगर आप भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप ये जानिए कि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। कड़ी मेहनत जो है इस समय हजारों लोग कर रहे हैं, हजारों लोगों में फर्क पड़ा है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी एक स्ट्रांग स्ट्रेटजी होगी। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बस हार्डवर्क कर रहे हैं बिना स्ट्रेटजी के। देखिए, ज्यादातर लोग जो असफल हो जाते हैं वो अपनी मेहनत की वजह से असफल नहीं होते, बल्कि गलत रणनीति की वजह से या फिर रणनीति न बनाने की वजह से असफल होते हैं। आप खुद ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो कभी यहाँ से शुरुआत नहीं करते कि पहले हम एग्जाम का सिलेबस देखें, फिर उसका पेपर देखें, फिर टाइम टेबल बनाए, फिर एक अच्छी सी बुक ले और तब जाकर के पढ़ना शुरू करें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड हुआ वो देख लिए, बस काम खत्म हो गया। फिर कोई बुक में टॉपिक पढ़ लिया, फिर कहीं से नोट्स मिल गई पढ़ लिया। तो इस तरीके से तैयारी होती है। फिर जब एग्जाम पास में आ जाता है तब ये मन में ख्याल आता है, ये टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ये इसको कहाँ से कवर करें। तो देखिए, तो एक सफल रणनीति के लिए क्या होता है, 3 स्टेप होता है। सबसे पहले आप थिंक, हमने बताया था, फिर उसके बाद प्लान कीजिए, फिर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। देखिए, जब मेरा टीजीटी पीजीटी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा पीजीटी, मैं पीजीटी बायोलॉजी के समय लेक्चरर हूँ, जो मेरा पीजीटी बायोलॉजी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसके पहले ही मैंने एक वीडियो बना दिया था कि अगर आप इस रणनीति से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहां पर मैंने बुक भी बताया था कि ये रणनीति अपनाइए, ये बुक पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने वही किया, मैंने जो आपको बताया था कि आप इस तरीके से पढ़िए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने उसी तरीके से पढ़ा, उन्हीं बुक्स को पढ़ा, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं इस समय पीजीटी बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ। तो आज आइए, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो देख लीजिए, या फिर ये जो वीडियो देख रहे हैं ये डिसाइड कर लीजिए कि इसमें जो बताया जाएगा वो 100% हम पूरा करेंगे। आप ये बात याद रखिए, आपकी थोड़ी सी कम मेहनत करने की आदत आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती है। आपने 80% सिलेबस कवर कर लिया, 70% सिलेबस कवर कर लिया, या फिर वो चीज नहीं पढ़ पाए, आपका मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन क्या हुआ अटेंड किया और मेरिट चली गई 92 क्वेश्चन, तो आपने क्या किया था, थोड़ी सी ही कम मेहनत की, लेकिन उसने क्या कर दिया, पूरी मेहनत को आपने बर्बाद कर दिया। तो इस बार क्या है, आपको जम करके पढ़ना है और जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको आपका सिलेबस देखना है, आपको आपका सिलेबस जो है वो याद होना चाहिए। दूसरी बार आपको दूसरा आपको करना है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। तो अगर आप लोगों ने ये सब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से, आप हिंदी से, आप फिजिक्स से, आप मैथ से, आप बायोलॉजी से, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में यही स्ट्रेटजी होती है कि पहले सिलेबस देखें फिर उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखें। तो जो इन दोनों को देख लेता है उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है, कौन सी बुक पढ़े। तो देखिए, जो स्टूडेंट जिनका इंटर अच्छे से हुआ है, बीएससी अच्छा से हुआ है, एमएससी अच्छे से हुआ है, उन्हें किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सी बुक पढ़े, क्योंकि उन्होंने क्या शुरू से बुक से ही पढ़ा होता है, तो सिलेबस देखते ही समझ में आ जाता है कि ये सिलेबस इस बुक से कवर होता है। तो यहाँ अगर आपको नहीं पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कहाँ से किस बुक से कवर करें, तो ये मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक सिलेबस अपना देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप टाइम टेबल बनाएंगे। आपको 3 महीने का समय है, आप 2.5 महीने का टाइम टेबल बनाइए। हर यूनिट को डिफाइन कीजिए कि ये यूनिट आप इतने दिन में खत्म करेंगे, और खत्म किस बुक से करना है। तो देखिए, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो और लेट मत करिए। कई कोचिंग संस्थान जो है वो क्रैश कोर्स चला रहे हैं, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप क्या करिए, सिंपल इंटर की बुक लीजिए, कुछ मत लीजिए, बस इंटर की बुक आप ले लीजिए। क्योंकि देखिए, कोचिंग संस्थान वाले क्या है, इस समय बहुत ही स्पीड से पढ़ा रहे हैं, क्या पता आप वो स्पीड उनकी ना कैप्चर कर पाए। तो इससे अच्छा है कि आप इंटर की बुक पढ़िए। देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप इंटर की बुक पढ़ते हैं तो 70% जो क्वेश्चन है वो इंटर की बुक से ही आते हैं। तो इंटर की बुक के अकॉर्डिंग क्या बनाइए, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। और यहाँ पर देखिए, आपको करना क्या है कि अब आपके पास 3 महीने का समय है, तो आप बुक लीजिए और बुक के नोट्स मत बनाइए। एक हाईलाइटर लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बुक में ही आप हाईलाइट करते चले जाएंगे। आप केवल इसको माइक्रो नोट्स बनाइए, उसमें क्या लिखिए, केवल वही पॉइंट लिखिए जो याद करने वाले हों, जो बार बार रट के याद होते हैं, ऐसे पॉइंट को आप उसमें लिखिए। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री में कितने डेट्स याद करनी पड़ती है, कितने सुल्तानों का क्या उपनाम था वो याद करना पड़ता है। ज्योग्राफी के हैं तो पर्वतों के नाम याद करने पड़ते हैं, कौन सा पर्वत किस देश में है। तो इस तरीके से माइक्रो नोट्स बना लीजिए और उसको क्या करिए, एक एक टॉपिक के नोट्स को डेली आप क्या करिए, याद करिए। आप चाहे तो किसी दीवार पे लगा सकते हैं, उस दीवार पे लगा दीजिए, बार बार आपकी नजर पड़ती रहेगी, आपको चीजें याद होती जाएंगी। तो आपको आपका क्या करना है, इस समय एक टाइम टेबल बनाना है, उस टाइम टेबल को यूनिट वाइज डिवाइड करना है। और इस समय एक चीज आप कर सकते हैं कि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, दूसरा जल्दी रिविजन के लिए आप ये करिए कि आप केवल 60 से 70% सिलेबस को ही तैयार करिए, बाकी के 30 से 40% सिलेबस को छोड़ दीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपका प्रेशर कम हो जाएगा कि बस इतना ही तैयार करना है। और इतना देखिए, जब आपका मन हो जाएगा कि हाँ बस इतना ही तैयार करना है, इस चीज को अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी क्या है, अभी 100% का आप टारगेट रखे हैं, आपके माइंड पे एक बर्डन है कि नहीं हो पाएगा, तो आपका माइंड आपको एक्टिवेट नहीं कर रहा है, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है। तो आप दो काम कीजिए कि एक आप ये करिए कि बुक इंटरव्यू ले लीजिए और चीजों को अंडरलाइन करते हुए पढ़िए, और माइक्रो नोट्स बनाइए, उस नोट्स को आप दीवार पे चिपका दीजिए, 2-3 दिन में आपको याद हो जाएगा। तीसरा आप ये करिए कि केवल 70 या 60% ही सिलेबस करिए, और ये देखिए 60% सिलेबस आपका 3 महीने में तैयार हो जाएगा। और आप ये मान के मत चलिए कि आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों से हो रहा है जो 100% तैयार करके आएंगे, 3 महीने का समय सबके लिए है, और ये 3 महीने कौन कैसे यूटिलाइज कर ले रहा है उसी पर उसका सिलेक्शन डिपेंड करता है। केवल पढ़ना नहीं है, अपने आप को मैनेज भी करना है। ऐसा नहीं है जो एग्जाम में जिनका सिलेक्शन हो जाता है वही सबसे ज्ञानी होते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी ज्ञानी लोग जो होते हैं वो नहीं हो पाता सिलेक्शन, किसी वजह से कि ऐन वक्त पे उनका क्या हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लगाया, ऐन वक्त पर वो पढ़ नहीं पाए। तो आप 60% का टारगेट बनाइए और उसको हर हाल में अचीव कीजिए। आपने सुना है मोर पे मोर गेन, तो इस समय वो स्पीड मत बनाइए जो आपकी नॉर्मली स्पीड रहती है, देर तक सोना, आप जल्दी उठिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ा जा सकता है, एकदम छोड़ दीजिए, और हर चीज को मैनेज मत कीजिए। लोग क्या होते हैं कि हर चीज को मैनेज करने लगते हैं, ये भी कर ले, वो भी कर ले, घर वालों को देख ले, बाहर वालों को देख ले, घर का काम कर ले, बाहर का काम कर ले। तो इस समय देखिए आप ऐसा क्या काम है, क्या चीजें हैं जिनको पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं, 3 महीने के लिए छोड़ दीजिए। 3 महीने के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको टिप्स दिए वो टिप्स को आप फॉलो करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को आप बेहतर बनाएंगे। देखिए, जो मैंने बताया, एक ओवरव्यू बताया था कि आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके के होते हैं, जो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कई बार ये पेपर दिया होगा, जो पहली बार दे रहे हैं वो क्या करेंगे, 60 से 70% तैयार करेंगे, लेकिन जिनका ये पेपर जो है वो दूसरी और तीसरी बार है तो वो क्या करेंगे, जो टॉपिक उन्होंने पहले पढ़ा है बस उसी को वो बार बार रिवाइज करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ये अप्रोच अपनाते हैं तो 100% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देखिए बायोलॉजी की हूँ, तो केवल मैं बायोलॉजी में ही बता सकती हूँ कि आपको बायोलॉजी में कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बायोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे कि बायोलॉजी में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहाँ से पढ़े। तो
तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, जानकारियां होती हैं, वो सब आपको दी जाती है। ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।